हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल डीके ब्लॉग्स में। तो फाइनली मैं रेडी हूं और अभी सुबह के 5:30 बज चुके हैं और हम निकलने के लिए रेडी हैं बिल्कुल राधा रानी के यहां पे। तो जो हमारा रेड टाइगर है आपको मैं उसको भी दिखाना चाहूँगा, वो भी बिल्कुल रेडी है निकलने के लिए। देखिए रेड टाइगर के कैसे फुकार मार रहा है बिल्कुल राधा रानी के लिए के पास चलने के लिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे रास्ते में, ठीक है। हेलो दोस्तों, फाइनली हम रेडी हैं राधा रानी के पास चलने के लिए, तो आपसे बीच में मिलते हैं आप लोगों से, तो बने रहिए। फाइनली दोस्तों थोड़ी दूर पहले रुके हैं यहाँ से क्योंकि भाई को लव बाइट मिल गई है मधुमक्खी से। तो इसलिए थोड़ी देर के लिए रुके हुए। चलो मिलते हैं बाकी आप। तो दोस्तों फाइनली पहुँचने वाले हैं, देखिए शनिधाम आ चुका है और नंदगांव 3 किलोमीटर देन बरसाना 10 किलोमीटर। तो मिलते हैं आपसे, शनिधाम पहुँचे हैं, अब देखिए बाबा के दर्शन करते हैं आगे चल के। जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव महाराज की। फाइनली बाबा के बहुत अद्भुत दर्शन होंगे, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ थोड़ा। जय शनिदेव। तो गाइस ये पूरा प्रांगण है शनिधाम का। चलिए जय शनिधाम। गाइस मेरा दोस्त पीछे रह गया है, अब मैं अपने भाई का वेट कर रहा हूँ। देखो वो आ गया, ये आ गया मेरा भाई। तो गाइस फाइनली नंदगांव पहुंच चुके हैं, अब नंद बाबा के महल जा रहे हैं। देखिए यहाँ से पूरा गांव दिखता है, पूरा गांव। तो महल पहुंच के दोबारा आते हैं हमें। तो गाइस ये है नंद बाबा का महल और यहाँ पे गोकुल के बाद नंद बाबा यहाँ पे बसे थे सारे गांव को लेके, जब से इसका नाम नंद गांव है। अभी ऊपर चल के एक बार देख। गाइस ये है 5000 साल पुरानी यशोदा माता की रसोई, देखिए। यहाँ से आपको पूरा नंदगांव दिखता है, पूरा बहुत बढ़िया। तो ये एक कीर्ति मंदिर है राधा रानी जी की, माता जी का, बट इसको अंदर से अभी हम नहीं कहते। पहुंच गए हैं श्री राधा रानी लाडी जी के, लाडी जी महाराज के मंदिर, और यहाँ से हमें लगभग 200 से 250 सीढ़ियाँ चढ़नी है और फिलहाल काफ़ी भीड़ नज़र आ रही है। देखो श्री लाडी जी महाराज क्या कैसे दर्शन, लगभग 200 सीढ़ियां पार करके पहुंच गए हैं श्री राधा रानी जी के दरबार पे। हाँ थोड़ी सी थकावट भी हो गई है सीढ़ियां चढ़ चढ़ के। देखिए गाइस श्री लाडली जी महाराज बरसाना। यहाँ से गाइस पूरा बरसाना गांव नज़र आता है, देखिए कितना सुंदर दर्शन है, कितना सुंदर नज़ारा है लाडली जी महाराज के दरबार से बरसाना गांव का। यहाँ पे ये कौन सा सरोवर है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन बरसाने से वृंदावन के रास्ते में पड़ा है। और यहाँ पे देखिए कितने सारे गिद्ध हैं, ये शायद गिद्ध ही लग रहे हैं मेरे को तो देखने में, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ मैं। ये देखिए गाइस बहुत सारे पूरे में
बट ठीक है जो गाइस, फाइनली हम प्रेम मंदिर आने वाले हैं। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कितनी भीड़ है यहाँ पे, और अभी रात के लगभग 7:30 बज रहे हैं, और देखिए भीड़ देखिए आप, कितना रश है यहाँ पे। और ये फाइनली हम पहुँच गए हैं लगभग, बोलो राधे 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 भैया, चलो भैया राधे राधे। तो गाइस ये आप देख रहे हैं, ये आपका आ गया प्रेम मंदिर। बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है, उमदा भीड़ है। बाकी चलो दोस्तों, 2 मिनट गाड़ी पार्क करके फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। नाग पे नृत्य करते हुए कान्हा जी, कितना सुंदर नजारा है। यहाँ जरूर आना आप एक बार ना, बहुत बहुत सुंदर नजारा है, बहुत बहुत सुंदर। ये आपका प्रेम मंदिर, और ये पूरा मंदिर का प्रांगण है जिसमें बेशुमार भीड़ रखी है। कितनी भीड़ है, तो गाइस आप इन्हें देख रहे हैं। तो मंदिर का जो भव्य उद्घाटन है वो इन्हीं के द्वारा हुआ था, इन्हीं के द्वारा नींव रखी गई थी मंदिर की, और इन्होंने ऐसा कहा था कि आने वाले टाइम में वृंदावन का पर्यटक जो है बहुत बढ़ जाएगा, और ये आने वाले टाइम में बहुत प्रसिद्ध मंदिर बनेगा। बाकी बिहारी की तरफ निकल चुके हैं, और अभी लगभग सुबह के 9 बज गए हैं, हम थोड़ा लेट हैं बट ठीक है, कोई बात नहीं। बाकी बिहारी के पास जाके आपको दर्शन कराते हैं। तो गाइस ये है श्री राधा वल्लभ जी महाराज वृंदावन मंदिर, अब इसके दर्शन करते हैं मंदिर जाके। महाराज दोस्तों फाइनली यमुना जी पे आ गए हैं हम, आप देख सकते हैं कितनी तेज बह रही है यमुना जी, और हम बोट में बैठ के इसको शूट कर रहे हैं, और ये मेरा भाई भी शूट कर रहा है अलग से। राधे 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 जी, राधे राधे। और चलिए बहुत बढ़िया, तो भाइयों फाइनली एक होटल ले लिया है, और ठीक ठाक सा ही लग रहा है। देखिए बाथरूम भी ठीक है, नॉट बैड, बाकी ऑल वेल। बहुत परेशान थे आने के लिए दोस्तों। ये पूरा कंस का मिलक किला है, और ये पीछे इसके यमुना बह रही है, क्या ऑसम व्यू है, क्या बात है, क्या नज़ारा है। और ये देखिए ये पूरा कंस का किला है पूरा, और हमारी बाइक भी लगभग कंस के किले के अंदर तक आ गई है,
देखिए मैं दिखाता हूँ अपना रेड टाइगर कहाँ खड़ा है, देखिए वो दिख रहा नीचे, जूम करके दिखाता हूँ थोड़ा सा। गाइस फाइनली समय हो चुका है अब इस ब्लॉग का एंड करने का, तो आप जैसे कि मेरे पीछे टोल बूथ देख सकते हैं, मैं बस अपने घर से जस्ट 2-3 मिनट की दूरी पे हूँ। तो दोस्तों कोशिश की है पूरे ब्लॉग को अच्छे से रिकॉर्ड करने की, बट फिर भी अगर कोई त्रुटि रह गई हो, कोई गलती हुई हो, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में मेरे को क्षमा कर देना, और आप कोई सजेशन देना चाहो तो दे सकते हो। तो सभी को बाय बाय, शब्बा खैर, गुड नाइट, टेक केयर, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। और मैं कोशिश करूँगा कि अगले ब्लॉग में मैं आपको रास्तों के नज़ारे भी दिखा सकूँ।